एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह के बज रहे हैं, लग रहा होगा ऐसे एकदम सुबह एकदम अच्छा हो रहा है, पर इस टाइम बज रहे हैं 10 सुबह के। और पानी कल रात से कंटिन्यू चालू है, बंद ही नहीं हुआ है। तो और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और सिनू ने पढ़ाई कर ली है, वो मोबाइल देख रहा है। और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की सब्जी। तो अंदर आके मैंने बनाई थी सब्जी, सब काट के रखी थी। तो रेगुलरली जो इसे बनाते हैं सेम वैसी बनाई थी मैंने, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं किया था। तो इसलिए मैंने वीडियो को बहुत जल्दी फास्ट करके बनाया है यहाँ पे, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं थी, ये तो सिंपल नॉर्मल जो हम सब्जी बनाते हैं वही थी। मतलब जैसी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बनाइए। तो ये बहुत जल्दी बन भी गई थी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धनिया वनिया डाल के, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है आज, और आज है बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़। और ये देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी तो वो कन्फर्म आ गया। और ये देखिए यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएँ चल रही है ना, और तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर जाके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाहर कंटिन्यू कल शाम से पानी चालू है, अभी भी हो रहा है, और इतनी ज़्यादा मतलब हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। ये देखिए मतलब पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी टूट के गिर जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा सा मौसम है, तो देखो आकाश ऐसे मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, वैसे नहीं करता है धूप निकलती। आज धूप भी नहीं निकली है, पानी कंटिन्यू बस गिरे जा रहा है और ऐसे बह के चल रहा है। और इतना ज़्यादा ठंडक हो गई है, मतलब कि अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने बनाई है चाय अभी। वैसे मैं, आप पता है, मैं सोच रही थी ये बनाएगा, पर इसने बनाई नहीं क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा था। मैंने चला आज नहीं बना लेती हूँ, तो बना ली मैंने चाय और ये पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा देखती हूँ बाहर कैसा हाल है। 3 बजे की डेडलाइन थी कि 3 बजे तक हो जाएगा। और ये देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ये देखिए बहुत तेज़, ऐसा लग रहा था कि पेड़ एकदम से हिल रहे हैं। तो अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है, बाहर बैठे हैं। और यहाँ पूरे में यहाँ तक पानी आ गया, ये हवा चल रही है तो आसपास पानी गिर रहा है, तो छत पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो नीचे ही है ये, जबकि अंदर है सिटी में है थोड़ा, बाहर तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो गाड़ी वाड़ी चलाना भी, क्योंकि हैं हमारे भैया वो आए हैं बता रहे, बाहर तो गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए चाय ठंडी हो रही, चाय पी रहे थे, देखते हैं। मेरे को तो बच्चे भी मतलब घर में ही हैं, बाहर तो गए नहीं, अभी तो खेल रहे हैं फिलहाल। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कितनी तेज़ मतलब बारिश हो रही है, बाहर हवा चल रही है ऐसा। मतलब इन दिनों तो बहुत कम, मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में ये टाइम पे बारिश नहीं होती थी, थोड़ी बहुत हो जाती थी बट इतनी नहीं होती, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गाइस देख के ही बहुत वो लग रहा है। और अभी तो 3 बजे हैं, बोल रहे हैं अब और ज़्यादा तेज़ हवा होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं कैसा होता है शाम का मौसम। तो चलिए, मैंने देखिए चाय बना के रखी है, ये रखी है मेरी चाय। तो और ये देखिए मैंने कल ही ये जो होते हैं ना, आप लोग करते होंगे, ये खरबूजे के बीज मैंने धुल के रखे थे, पर धूप ही नहीं निकल रही है। कल भी नहीं निकली, परसों भी नहीं निकली, परसों थोड़ी बहुत निकली, नहीं परसों नहीं निकली, और ये हो गया है, और बादल तो एकदम काला काला सा हो गया है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे अभी भी पानी कंटिन्यू चालू ही है, और बादल देखिए कितने घने और काले हैं। तो प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं, सारी जो हमने सब योजनाएँ कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी तैयारी करी हो, उसके सामने कुछ नहीं, सब धराशायी हो जाता है। इंसान मतलब एक मजबूर हो जाता है हर चीज़, हर उसके लिए कितनी भी सहन शक्ति उसकी एक होती है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लबालब पानी भरा हुआ है, रोड भी नहीं दिखाई दे रही है। तो वही होता है ना, हम लोगों ने बहुत दुख दिया है प्रकृति को, तो प्रकृति अपना हिसाब सूद समेत वापस लेती है। तो वही हुआ है यहाँ पर। और एक तो कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से ये तूफान और आ गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन खराब कंडीशन में पहुंच गई है। अभी आ गए हैं बाहर, और बाहर आके देखिए कितनी तेज, अभी भी मतलब हवा बंद नहीं हुई है, हवा चालू ही है, पानी तो बह गया है, पर देखिए अभी ये देखिए कितनी तेज़ हवा चालू है अभी, जो रुकने का नाम ही नहीं दे रही है। अब तो बहुत ज़्यादा शांति भी हो गई है, काफ़ी तो पेड़ टूट गए हैं, तो फिर दिखाती हूँ इतना ही। तो देखिए ऐसे टहनियाँ टूट टूट के इधर उधर जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ पे हवाओं ने थमने का कोई भी नाम नहीं लिया है, और जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ उस टाइम भी गाइस हवा चल रही है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।